दिग्गज कारोबारी और हिंदुजा भाइयों में सबसे बड़े एसपी हिंदुजा का बुधवार को निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। परिवार के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि हिंदुजा समूह के अध्यक्ष एसपी हिंदुजा ने लंदन में आखिरी सांसें ली। आपको बता दें, एसपी हिंदुजा बीते काफी समय से बीमार चल रहे थे। एसपी हिंदुजा डिमेंशिया नामक बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में अक्सर इंसान बातों को, चीजों को भूलने लगता है। एसपी हिंदुजा हिंदुजा समूह के फाउंडर पीडी हिंदुजा के सबसे बड़े बेटे थे। उनका जन्म कराची, पाकिस्तान में साल 1935 में हुआ था। 1952 में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे 18 साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ कारोबार में जुड़ गए थे। बाद में उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और लंदन में ही रहने लगे। उनकी शादी मधु हिंदुजा से हुई थी, जिनकी हाल में ही मौत हुई थी। उनकी दो बेटियां शानू और वीनू हैं। उनके तीन भाई जेपी हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा और अशोक हिंदुजा हैं। आपको बता दें, देश में ट्रक बनाने के कारोबार के अलावा हिंदुजा समूह बैंकिंग, केमिकल्स, पावर, मीडिया और स्वास्थ्य क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। इस समूह की कंपनियों में ऑटो कंपनी, अशोक लेलैंड और इंडसन जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार हिंदुजा परिवार के चार भाइयों के पास लगभग 14 बिलियन डॉलर की सामूहिक संपत्ति है। एसपी हिंदुजा कुछ विवादों से भी जुड़े रहे, जिनमें से एक तो संपत्ति विवाद है, जो हाल के समय में आपको सुनने और देखने को मिला होगा। वहीं एक विवाद 80 के दशक का भी रहा। एसपी हिंदुजा का नाम 80s के टाइम में बोफोर्स घोटाले में प्रमुख रूप से सामने आया था। बोफोर्स घोटाले में आरोप लगाया गया था कि हिंदुजा बंधुओं को गांधी परिवार से निकटता का काफी फायदा मिला। गांधी परिवार से निकटता के कारण बोफोर्स सौदे को स्वीडिश कंपनी के पक्ष में करने के लिए उन्हें कमीशन भी दी गई थी। हालांकि ये सब बातें अब पुरानी वक्त की हो चुकी हैं। आज एसपी हिंदुजा हमें और इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन कारोबारी जगत में उनके योगदान को ये दुनिया हमेशा याद रखेगी।